अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मुंबई एपीएमसी जो एशिया खंड की एक बहुत बड़ी मंडी है, आज जो महाराष्ट्र भर की 300 मंडियां है, करीबन इस मुंबई मंडी को छोड़ के महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक जीआर 24 जनवरी को निकाल कर 6 महीना एपीएमसी के इलेक्शन आगे कर दी है। मगर मुंबई की जो एपीएमसी है उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट करके सारा प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया था। 2008 से लेकर 2014 तक हमारी बोर्ड थी जिसमें हम मसाला मार्केट से चुन के गए थे और 2014 के बाद गवर्नमेंट के प्रशासक 2020 तक यानी अब तक प्रशासक का था। हाईकोर्ट की रिट पिटीशन के जरिए प्रशासक को दूर कर इलेक्शन लेने को आदेश दिया। महाराष्ट्र सरकार खुद ने इलेक्शन प्रोग्राम एफिडेविट कर दिया है, यानी मुंबई एपीएमसी की इलेक्शन जो है वो चालू है, प्रोसेस उसकी चालू है। 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक फॉर्म भरना है, फॉर्म लेना भी है। यहाँ पर महाराष्ट्र भर के 6 रीजन से 12 प्रतिनिधि किसान के आएंगे, मार्केटों के 5 प्रतिनिधि रहेंगे, 1 प्रतिनिधि माथाड़ी मापाड़ी का रहेगा। तो अब 5 मार्केटों में मसाला मार्केट है, ऑनियन पोटैटो है, धान्य कड़धान्य दालें एक मार्केट है, एक फ्रूट मार्केट है और एक वेजिटेबल मार्केट है। हमारी मसाला मार्केट में 1078 वोटर्स है और हमारी मार्केट की ओर से आज हमने हमारी चेंबर, हमारी संलग्न संस्थाएं के प्रतिनिधियों का साथ सहकार के साथ हमने आज फॉर्म भरने का तय किया है और फॉर्म लाए हैं। इस इलेक्शन में स्पर्धा जरूर है, ऐसा हमें लगता है कि हमारी मार्केट की ओर से भी हमारे दो मित्र सदस्य है, ड्राई फ्रूट वाले हैं, शुगर वाले हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। हमारी चेंबर और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा थी कि हमारे जो सदस्य है वो इस मार्केट में से सर्वानुमते बिन हरीफ हमें भेजने के लिए अपील की थी। आज फॉर्म भरा उन्होंने, हमारा फॉर्म कल भरने जाएंगे और ये फॉर्म जो भरने की विधि है कल 3 बजे तक रहेगी, जिसमें महाराष्ट्र भर के 6 रीजन के 12 प्रतिनिधि भी फॉर्म भर देंगे, माथाड़ी मापाड़ी भर देंगे और 5 मार्केट के लोग भर देंगे। अभी हमारी मार्केट में हमारे चुनने के साथ साथ में 2008 से 14 तक काफ़ी सारी समस्याओं को दूर करने में सफलता मिली। 1991 की FSI बैलेंस थी, वो 82,000 मीटर हमारे परिवारों का हक था, हमारे व्यापारी गाला धारक का हक था, वो लाने में बहुत बड़ी सफलता मिली। उसको रेगुलर OC वगैरह जो काम बाकी है उसका भी हम पूरे तहे दिल से काम कर रहे हैं। मार्केट को
जो जो आवश्यकता था, सीमेंट कंक्रीट रोड है, हाईमैक्स है, टॉयलेट बाथरूम जो भी है, सेवरेज सिस्टम है, जो इंटरनेशनल मार्केट का एक हमने विज़न देखा है, उस तरह जब जब सेवरेज लाइनें बनी तो उसको आने वाले दिनों की विज़न देखकर हमने वो बड़ी पाइपलाइन कराई, केबल लाइनें नहीं बिछाई, केबल का सेंटरों में जो बड़े जनरेटर लगे, जनरेटर पास किए। मार्केट कमेटी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सर पे 2014 से 18 के अंदर आ गई। वो सर्विस चार्ज के तहत जो नियमन सक्कर में 2010 में निकल गया, जो नियमन 2014 में ड्राई फ्रूट में निकल गया, तेल दालें सब में निकल गया, तो अचानक सा 2014 में 16-4 की उपविधि का दाखला पास करा के, जिसका कड़ा विरोध हमने संचालक पद में लिखित में किया था, किसी प्रकार का सर्विस चार्ज हमें हरगिज मंजूर नहीं है। स्वर्गवासी हमारे मित्र जयेश वोरा का भी उसमें सहयोग था। तो ये जो सर्विस चार्ज की समस्या करीबन 154 कोटी उन्होंने डिमांड कर दी, अब जो वसूल नहीं हुआ है, ग्राहकों से लिया नहीं गया है, तो जबरदस्ती हमारे पे चाय है, पोहा है, ममरा है, जड़ी बूटियां हैं, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, बहुत सारी चीज़ों पे ये एक अन्याय आ चुका था। उसका हमने कड़ा विरोध किया, सारे कागजात एकत्रित किए। उसमें हमारे परिवारों का सद्भाग्य है कि हमें गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा हुआ कि 1963-67 का कोई कानून में ये सर्विस चार्ज लेने की तरतूद नहीं है। इस कागज मिलने पर हमें हाईकोर्ट में रियायत मिली है, स्टे मिला है, फिर भी इस स्टे को हटाने के लिए अभी 2020 में जो तरतूद नहीं है वो कागज़ को पड़कार फिर से किया गया, उसको कैंसिल करने को APMC ने प्रयत्न किया। अगर हम पूरी ताकत से और पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इसे हरगिज लगाने नहीं देंगे, इसके बारे में और हम पुरावे एकत्रित कर रहे हैं और हाईकोर्ट में बिल्कुल इस समस्याओं को हटा कर रहेंगे, जीत कर रहेंगे और व्यापारी समाज के ऊपर इस प्रकार का बोझा लादने नहीं देंगे। सर्विस चार्ज आखिर तो ग्राहक पे बोझ बनने वाला है। मार्केट चलाने में भेदभाव असमानता दूर कौन करेगा? आज नियमन आधी चीज़ों में नहीं है, आधी चीज़ों में नियमन है। आज ऑनलाइन व्यापार हो चुका है, ग्राहकों को घर घर माल मिल रहा है। मार्केट और मार्केट के ऊपर 50,000 रिटेल दुकानें हैं, होटलें हैं, जिस पर मार्केट चलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये इंटरनेशनल प्लेस है। आप अभी सरकार को हमारी एक ही गुजारिश है, जब से हम संचालक थे और प्रशासक थे तब से हमारी एक ही डिमांड रही है कि अभी आप इनका मेंटेनेंस चार्ज लीजिए और नियमन हटा दीजिए। और हमें विश्वास है कि एक न एक दिन नियमन हटेगा, मार्केट को इंटरनेशनल बनने का विज़न मिलेगा और लोगों की सुविधा बढ़ेगी। हमें सरकार ने जो जो वचन हमारे मस्जिद बंदर में दिए थे उसका पालन करवाना है, हमारे हर एक गाले की FSI की कंप्लीट करना है उसका काम, उस गाले के अंदर जो कृषि माले रखने के लिए जो सुविधा बनाई गई है, जो कंस्ट्रक्शन नहीं किया है RCC, वो सभी चीज़ों को आगे सिडको ने भी मंजूर दिया था, APMC के करारनामे में भी है, कुछ हमारे गाले के तोड़ने के लिए NMMC आई थी,
तो उसके बारे में कोर्ट के अंदर स्टे लिया हुआ है और हमें विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हम कानून से, कानून के दायरे में व्यापार विकास के लिए किसी व्यापारी को तकलीफ नहीं होगी और मार्केट को रेगुलर कर सकते हैं। और मार्केट जितनी रेगुलर होगी यहाँ व्यापार बढ़ेगा, विकास होगा और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास से ये बेहतरीन मार्केट है, बेहतरीन बनेगी, बेहतरीन सुविधा मिलेगी। और आने वाले दिनों में सरकार से 5 FSI की हमने डिमांड किए हैं। PPP के अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार को गुजारिश करेंगे और यहाँ पर एक बेहतरीन इंटरनेशनल हब बनने जा रहेगा और बनेगा, ये पूरा विश्वास है। हमारे स्पर्धक जो भी हैं वो भी जानते हैं कि हमने जो काम किया है उस काम के जरिए हमारे व्यापारी परिवार को, हमारे मार्केट को बहुत ही अच्छा विकास की गति मिली है। आने वाले दिनों में भी इसे और अच्छा करना है। इस मार्केट के परिसर के आजू बाजू 2007 में 55 करोड़ के सीमेंट कंक्रीट के रोड बने, इस एरिया की रौनक बढ़ गई। मार्केट में 91 से हमारे पास डामर के रोड थे, 2008 के 14 के हमारे पीरियड में सीमेंट कंक्रीट के रोड पास हो गए, मार्केट के अंदर सीमेंट कंक्रीट के रोड बन गए, हाईमैक्स लग गई। और आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर हम चाहते हैं कि हमें जहाँ जहाँ लीकेज है उस लीकेज को पूरा डोम बनाएंगे, कवर करेंगे, सेंट्रली AC बना सकते हैं। अगर विंग वाइज हम उसको पूरा गालीचा डाल के, पूरे फैन लगा के, पूरे AC लगा के उसको बेहतरीन बना सकते हैं। आज मॉल संस्कृति है, ई कॉमर्स संस्कृति है, उसके सामने हमें स्पर्धा करना है तो हमें ये ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा। CC कैमरा से सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो जो सुविधा है उसको बेहतरीन करना है और चाहे उसके लिए शासन से जितनी भी सुविधा मिले वो लेने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ बिल्कुल उस अन्याय को दूर करने के लिए चाहे सत्याग्रह करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो उसमें हम बिल्कुल हिचकिचाट नहीं है और जाएंगे और जरूर हमारे हक और हमारे परिवार के लिए, हमारी मार्केट के लिए हम पूरी तैयारी के साथ संघर्ष करेंगे। और निश्चित हमें विश्वास है कि यह इलेक्शन में हमारी जीत यानी हम सब के साथ सबका विश्वास और सबका विकास करने का मकसद जरूर पूरा करेंगे।